हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है जसपाल सर। वेलकम टू गेट एकेडमी सर। थैंक यू सर। जसपाल सर के साथ आज स्क्रीन शेयर करने का मुझे मौका मिला है, वो बिकॉज ऑफ अनअकैडमी मिला है। गेट एकेडमी और अनअकैडमी का जो मर्जिंग हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट का इसमें बेनिफिट होगा। एक बेनिफिट आपको यहाँ पर ऑन द टेबल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या है और इससे आपको क्या मिलने वाला है, आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, वो पूरा हम डिटेल में आप इस वीडियो में आपके साथ में बात करेंगे, आपसे कनेक्टेड रहेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले इसको ओपन करिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, इसको ओपन करते हैं। मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी सर भी नहीं जानते कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अनबॉक्सिंग का मेरे ख्याल से पहला वीडियो होगा मेरा ये। हाँ, काफ़ी ट्रेंडिंग है ये चीज़ अनबॉक्सिंग। हमारे काम की चीज़ लग रही है। बिल्कुल सर, हमारे फील्ड से रिलेटेड है, तो जितने भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। काफ़ी दिनों से आपको इस चीज़ का वेट था, तो वो मैं वेट ही कर रहा था कि सर यहाँ पर भिलाई आएंगे तो उन्हीं के हाथों से हम इसका ओपनिंग करेंगे, उन्हीं के हाथों से हम इसको लॉन्च करेंगे। तो वो दिन आ चुका है। वाओ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, आप भी दिखा दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है सिविल इंजीनियरिंग का PYQ बुक फॉर गेट 2023। सो दो वॉल्यूम्स में बुक अवेलेबल है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो सर आप बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सी बुक में कितना कंटेंट कवर है जी, या कौन से सब्जेक्ट्स किस वॉल्यूम में। मेरे ख्याल से बहुत ही डिमांड रहती है स्टूडेंट्स की कि सर कोई हमें ऑथेंटिक मटीरियल मिल जाए जिसमें PYQ लगा पाए, क्योंकि मोस्टली इनके अंदर कोई गलती होती है, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो या कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही नेगेटिव जाती है। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझे पता है कि सवाल देख के अपना कंसेप्ट डेवलप करते हैं। हाँ, डेफिनेटली पढ़ के थ्योरी से कंसेप्ट डेवलप नहीं करते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग लगाते हैं। यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं, अगर PYQ लगा ली हमने, हमारी तैयारी पूरी हो गई, तो अगर PYQ के अंदर गलती आ जाए तो अपना कंसेप्ट उसी से बिल्डअप करते हैं, सर उस सवाल में ऐसा किया हुआ था। डेफिनेटली, तो इसका मतलब ऐसा ही होता है, उनका क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट बनता है एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो वॉल्यूम 1 जी सर, वॉल्यूम 1 ही हमारा है। वॉल्यूम 1 की अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, वॉल्यूम 1 में हमारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और स्ट्रक्चर के सारे टॉपिक्स हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, यही है आई थिंक। यस, यही है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनवायरनमेंट है और जियो टेक्निकल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट भी है, और हमारा जियोमेटिक्स और फाइनली जनरल एप्टीट्यूड। तो ये 8 टॉपिक्स है हमारे इसके अंदर। नहीं सर, ये एक्चुअली सिलेबस है, पूरा गेट का सिलेबस डला हुआ है। ये है सर, ये टॉपिक्स है इसमें। ठीक है, तो इसमें, अच्छा, इसमें सारे स्ट्रक्चर के टॉपिक्स हैं। इसमें स्ट्रक्चर का पूरा पोर्शन है सर। बिल्कुल, तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वॉल्यूम 1 के अंदर, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, RCC प्रीस्ट्रेस कंक्रीट है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, मैकेनिक्स है, BMC है और जियोमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड है। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स हमारे इसी के अंदर इस वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 1 में। और अगर हम वॉल्यूम 2 की बात करें तो जी, इसमें नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट, वॉल्यूम में सारे नॉन स्ट्रक्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं, जियोटेक हो गया हमारा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो गई, इरीगेशन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गई। तो ये एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, इसमें टेक्निकल भी अपने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया और सॉइल हो गया, और उसमें हमारा मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड है। मतलब दोनों में वॉल्यूम ही इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लर्नर्स के लिए जी। तो इस बुक के मैं कुछ फीचर्स आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस बुक में है ना, हम लोगों ने 1987 से लेकर 2022 तक के पूरे क्वेश्चंस, लास्ट 36 ईयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं विथ फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। और
बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोगों ने QR कोड भी आपको प्रोवाइड किया है, मतलब वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आपको क्या करना होगा, आपके अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो QR कोड को रन कर सके। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे कोई डाउट आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक QR कोड आपको दिख रहा होगा, तो मैं हालांकि सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, लेकिन यदि मुझे फिर भी हैप्पीनेस नहीं आ रहा है तो उस केस में मैं यहाँ पर अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे यूट्यूब पर जंप कर जाऊँगा और वहाँ पर आपको XYZ टीचर जो भी होंगे वो पढ़ाते हुए नज़र आएंगे, उसका सॉल्यूशन देता हुआ नज़र आएंगे। तो इसकी काफ़ी अच्छी यूनिक चीज़ है कि आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है बुक के अंदर, और हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हमने कवर किया है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हम देखते हैं सर जो बहुत पुराने हो जाते हैं या इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं टॉपिक, तो वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। और ये वीडियो सॉल्यूशन वाला भी बहुत ही मतलब यूजफुल फीचर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बात समझ में नहीं आती, पर जब वही चीज़ हमें कोई पढ़ा रहा होता है तो उस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम लिख नहीं पाते। डेफिनेटली सर, तो अगर मुझे कोई कंसेप्ट बताना है तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, मैं सॉल्यूशन तो डायरेक्टली बता दूंगा। तो वीडियो सॉल्यूशन से क्या है, एक क्लैरिटी आ जाती है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है। इनफैक्ट मेरे नोट्स भी हैं ऐसे, हाँ मेरे जितने टेक्निकल नोट्स हैं वो सारे QR कोड बेस्ड हैं जी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी प्रॉब्लम के अंदर या आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप सीधा स्कैन कीजिए बार कोड को, डायरेक्टली आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका। जी बिल्कुल सर। और सर हम इसके यदि बात करें तो हम लोग ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो वॉल्यूम्स, दो वॉल्यूम्स में प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। ओके, मतलब अदरवाइज तो आप सिंगल वॉल्यूम में बुक्स देखते होंगे, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे डिटेल में दिए हैं। एक ही क्वेश्चन को हम दो दो तीन तीन अप्रोचेस से बताए हुए हैं इसके अंदर, अलग अलग तरीके से रखे हैं क्वेश्चन को, और एक फील फैक्टर आपको इसमें देखने को मिलेगा जब भी आप इसको ओपन करेंगे, सो इट गिव यू अन इम्पॉर्टेंट फीलिंग ना, वो बहुत अमेजिंग है आपके लिए। नहीं प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर, हाँ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यूनिक प्रोडक्ट है इसका ऑलरेडी, ये नया एडिशन है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हम लेकर आए हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था लेकिन अंडर पब्लिकेशन था नया एडिशन, तो इतने दिनों से मैं इसको आपके बीच में नहीं रखा था, इसका सेल भी बंद था अभी तक। अब जैसे ये प्रोडक्ट आ चुका है पब्लिश होकर, प्रिंटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट्स मेरे पास में है, बहुत ही जल्दी आपको वेबसाइट पर इसका सेल स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, क्या प्राइसिंग रहने वाली है और क्या डिस्काउंट रहने वाला है, उस सब के ऊपर मैं आने वाले समय में फिर से आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी चूंकि सर आए हुए थे और फिर सर तो निकल जाएंगे भिलाई से, तो मैंने कहा कि सर के साथ पहले इसको ओपन कर लेते हैं, लॉन्च कर लेते हैं आपके बीच में। और टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है, अब टाइम आ गया है कि जिसमें बच्चों को PYQs लगाने चाहिए, अपनी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे और PYQs लगाएंगे। सर आप क्या सोचते हैं, मतलब PYQ को लेकर कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं गेट में? देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट PYQ एक आईना है, बहुत आईना है जो आपको ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, मतलब ये आपको किसी और को नहीं बताना या कोई आपको नहीं बता पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, ये PYQs आपको बताएंगे। ये इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा कि हाँ मैं अब तैयार हूँ गेट देने के। बिल्कुल, तो अगर इसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम रिपीट हो जाए जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं तो सोने पर सुहागा, पर मैं इसको ऐसे लेके चलूंगा कि यही वो टूल है जिससे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ। हाँ, और जब ये बच्चा PYQ क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो एक उसको अलग टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। बिल्कुल, ये हमें तैयार करता है लड़ाई के लिए। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि जब मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो क्या मैच में भी वैसी बॉल आएगी क्या? जरूरी नहीं है, नहीं, पर जब मैं नेट प्रैक्टिस करता हूँ मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ, बैट के बीच में आ रही है बॉल, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ पिच पे। पर जब मैं मैच खेलने जाऊंगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे हर मैच में जो बॉल्स होती हैं वो सारी अलग होती हैं, अलग होती हैं, तो सेम वैसी कहानी, हर सवाल अलग मिलेगा आपको। कोई रिपीटेड बॉल मिल जाए एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैं नेट पे प्रैक्टिस करी थी तो और ही अच्छी बात है, तो छक्का ही मारना है आपको। तो इसको ऐसे नहीं लेके चलेंगे कि नहीं मैं इसको बैठ के रट रहा हूँ। बच्चे जैसे मैंने बताया कि सवालों से तैयारी करते हैं अपनी, नहीं, आपको तैयारी पहले पूरी करनी है फिर सवाल अटेम्प्ट करना है। जी, ये सर की बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ PYQ लेके बैठ जाते हैं और उसके बेसिस पे अपने कंसेप्ट डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप पूरा थ्योरी पढ़िए, अपने कंसेप्ट क्रिएट करिए, उसके बाद PYQ पर आइए, वो सही अप्रोच होगा और आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सर और कुछ आप हमारे गेट एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई पॉइंट रखना चाहेंगे? चार महीने बचे हैं, पुल अप योर सॉक्स और अपनी तैयारी फुल फ्लेज्ड, मतलब फास्ट ट्रैक जो मोड आता है हमारा जब क्रॉसिंग लाइन पास आ जाती है और हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, वैसे अपनी स्पीड बढ़ाइए और सिलेबस कंप्लीट कीजिए और अपना एग्जाम क्रैक कीजिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
ये इस पर प्राइसिंग को लेकर और सेल्स को लेकर मैं बहुत ही जल्दी आपके बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।